दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक ऐसा शहर है जहां आप दुनिया का टॉलेस्ट बिल्डिंग, मैनमेड आइलैंड, लग्जरी कार्स और बहुत सारे चीज़ें देख सकते हैं। एंड नाउडेज दिस प्लेस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहां का तेज़ी से बढ़ता हुआ डेवलपमेंट, आर्किटेक्चर और बहुत सारे चीज़ें देखने का हर किसी का एक ड्रीम होता है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट दुबई एंड यू डोंट हैव एनी प्रॉपर प्लान टू एक्सप्लोर दुबई, देन आपका ट्रिप इज लाइक ए वेस्ट ऑफ मनी एज वेल एज टाइम। तो दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट ट्रैवल प्लान विथ मिनिमम बजट टू एक्सप्लोर दुबई, लाइक हाउ टू ट्रैवल टू दुबई, वेयर टू स्टे इन दुबई, बेस्ट टाइम टू विजिट, हाउ टू अप्लाई वीसा, वेयर एंड हाउ टू एक्सचेंज करेंसी, सम इम्पोर्टेंट रूल्स एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज व्हाट आर द मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेसेस दैट शुड बी इन योर लिस्ट व्हाइल यू आर इन दुबई और व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू दुबई। सो ये सारे इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, लाइक इन यूएई देयर आर 7 एमिरेट्स एंड दुबई इज वन ऑफ द एमिरेट्स एमंग देम। दुबई जाने के लिए आपको इंडिया का कोई भी बड़े बड़े सिटी लाइक मुंबई और दिल्ली से आने और जाने का डायरेक्ट फ्लाइट सिर्फ 20,000 में मिल जाएगा। एंड वी गॉट दिस डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर टू दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंडर 20,000 रुपीज फॉर बोथ वेज। सो अगर आप उड़ीसा से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट फ्लाइट बोथ वेज का सिर्फ 20,000 में मिल जाएगा, अगर आप पहले से ही बुक कर रहे हो तो। एंड भुवनेश्वर टू दुबई आप 5 घंटे में पहुंच जाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट थिंग वीजा की बारे में, बिकॉज यू कैंट एंटर टू दुबई विदाउट होल्डिंग वीजा। टूरिस्ट वीजा आप ऑनलाइन या फिर कोई भी ट्रैवल एजेंट थ्रू से अप्लाई कर सकते हैं। 30 डेज सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीजा के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 7,000 रुपीस देना होगा, जिसका वैलिडिटी 2 मंथ्स रहता है। One thing you should always keep in your mind while applying visa that the visa fee is non-refundable if your visa is rejected or cancelled। Visa आप flight ticket booking करने से पहले या फिर बाद में भी apply कर सकते हैं according to your plan। हमारा trip के लिए हम Make My Trip से visa apply किए थे। If you want to know more about how to apply visa, then I will do a separate video on that topic। ऐसे तो दुबई में होटल बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन कुछ प्लेसेस लाइक बोर दुबई डेरा में होटल थोड़ा सस्ते में मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए, होटल आप मेट्रो स्टेशन के पास में ही बुक करें, क्योंकि ऐसे करने से आपका बहुत सारे पैसा सेव हो जाएंगे। दुबई में स्टे करने के लिए हम बोर दुबई मेट्रो स्टेशन के पास में एक हॉस्टल बुक किए थे, जिसका प्राइस था 10,000 रुपीज़ फॉर 7 नाइट्स। सो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विथ योर फ्रेंड्स देन यू कैन चूज हॉस्टल इंस्टेड ऑफ होटल एंड कैन मिनिमाइज योर बजट। ऐसे तो आप दुबई कभी भी जा सकते हैं, लेकिन अक्टूबर टू मार्च इज द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर दुबई, क्योंकि इस टाइम पर दुबई में गर्मी थोड़ा कम रहता है। लेकिन इस टाइम में आपका बजट थोड़ा हाई होगा, बिकॉज दीज आर द पीक टाइम इन दुबई।
बेस्ट थिंग्स टू सी इन दुबई बिटवीन दीज मंथ्स आर, यहाँ आप वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर गार्डन और एक मिनी वर्ल्ड जहाँ आप और एक दुनिया का पैविलियन देख सकते हैं। लेकिन ये दो अट्रैक्शंस बाकी सारे मंथ में बंद रहता है। तो दोस्तों बात करें अगर करेंसी की, तो दुबई का करेंसी है दिरहम एंड 1 dirham इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 24 इंडियन रुपीज। करेंसी एक्सचेंज आप इंडिया में भी कर सकते हैं या फिर दुबई में भी, लेकिन एक बात ध्यान रखें, एयरपोर्ट में करेंसी एक्सचेंज ना करें क्योंकि एयरपोर्ट में आपको अच्छा रेट नहीं मिलेगा। दुबई में आपको खाने के लिए बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ खाना और पानी थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। सो इफ़ यू आर ए बजट ट्रैवलर देन अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपीस पर डे हिसाब से आप आपका प्लान कर सकते हैं। बात करें अगर लैंग्वेज की, तो दोस्तों दुबई में ओनली 20% UAE रेसिडेंट्स होते हैं और बाकी 80% आउटसाइडर्स है। और ये 80% में अराउंड 60% लोग इंडियंस, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी है। तो दोस्तों यहाँ आपको लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हिंदी आराम से समझ सकते हैं और बोल भी सकते हैं। दुबई में ट्रैवल करने के लिए सबसे सस्ता और बेस्ट ऑप्शन है मेट्रो, और मेट्रो सारे टूरिस्ट प्लेसेस से वेल कनेक्टेड है। मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए आपको ज़रूरत होगी एक कार्ड की जिसका नाम है नॉल कार्ड। ये कार्ड आपको कोई भी मेट्रो स्टेशन से मिल जाएगा जिसका प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 3000 रुपीस फॉर 7 days अनलिमिटेड ट्रैवल। ये कार्ड आप मेट्रो, बस या फिर ट्राम में भी यूज कर सकते हैं। If you want to know more about NOL card, then you can contact me. एक बात आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे, ये ट्रिप आप कोई एजेंट के थ्रू या फिर कोई टूर पैकेजेस से किए थे, और इसका आंसर है नो, बिकॉज मैंने ये ट्रिप खुद से ही प्लान किया था by watching YouTube and doing lots of research about Dubai. ये जो सारे फ्लाइट, वीजा और होटल बुकिंग मैंने मेक माई ट्रिप से किया था। फॉर फ्लाइट बुकिंग यू कैन यूज स्काई स्कैनर ऑल्सो। दुबई में आप कार और बाइक रेंट में लेने के लिए और फूड ऑर्डर करने के लिए करीम आप यूज कर सकते हैं, जैसे इंडिया में ओला और उबर चलता है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज टूरिस्ट अट्रैक्शन पास और टिकेट, एंड फॉर दैट यू कैन यूज मोस्ट वाइडली यूज एंड ट्रस्टेबल ऐप कॉल्ड क्लॉक एंड हेड आउट। ये ऐप यूज करके आप सारे टूरिस्ट प्लेसेस का कंप्लीट इंफॉर्मेशन जान पाओगे, जैसे कि इसका प्राइस, कैसे जाओगे, कितना टाइम लगेगा, एट्सेट्रा। And you can find all these apps in Android as well as in your iOS device. Finally, बात करते हैं दुबई की कुछ important rules की बारे में। दुबई में बहुत सारे rules हैं और यहाँ सारे लोग rules strictly follow करते हैं, जैसे कि आप metro में खाना नहीं खा सकते, किसी का गिरा हुआ सामान नहीं उठा सकते हैं। लाइक इन इंडिया जैसे हम रोड पे लेफ्ट साइड में चलते हैं, दुबई में राइट साइड में। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते तो इसीलिए आपको बहुत बड़ा फाइन लग सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा दुबई का कंप्लीट ट्रैवल प्लान, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दुबई ट्रिप देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई सोशल मीडिया अकाउंट और कॉमेंट इन दिस वीडियो। In my next video, I will give you all the detailed information about the top famous tourist places in Dubai as well as in Abu Dhabi. तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। See you soon in my next video. Thank you.